पापा वो सब एक गलत फहमी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइज, आज आने वाला है अनजानी शादी का पार्ट 3। और ऑब्वियसली जो ये मेरा लुक है, जो मैं बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हूँ, तो वो भी इसी पार्ट 3 के लिए है। और गाइज, पार्ट 3 में आने वाला है ट्विस्ट। मतलब ऐसे आप देखने जाओ तो हर पार्ट में कुछ ना कुछ ट्विस्ट है, और बहुत कुछ एक्साइटिंग और नया आने वाला है। और मुझे गाइज सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है ये सब करके, स्पेशली ऐसा लग रहा है। और हाँ गाइज, एक चीज़ मुझे बताना है था, मैं तो भूल जाऊँ, उससे पहले मैं बता दूँ कि आप लोग सब लोग ने बोला था कि वॉइस, लड़के का वॉइस चेंज करो या ये, तो गाइज वो वॉइस अभी मैं ही दे रही हूँ और उसका कुछ और, मतलब उसको मैं इफेक्ट दे रही हूँ तो वो ऐसा लग रहा है। बट मैं ट्राई करूँगी किसी ना किसी मेल फ्रेंड से या मेरे भाई से या कोई भी जो मेरी हेल्प कर सके इसमें, तो मैं उनकी वॉइस लूँ ताकि आपको और अच्छा लगे सीरीज देखने के लिए। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, तब तक के लिए प्लीज़ ये साउंड के साथ एडजस्ट कर लीजिए। मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है। और पार्ट 3 देख कर आइए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप देख कर आइए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलो हो गई रेडी? ड्राइवर ये बैग्स उठा लो तुम मेरे, और तुम खुद उठा सकती हो। सुनिए। हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। देखिए, ये जो भी हो रहा है, मुझे नहीं पता इसका क्या सलूशन है और इसके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि मेरे डैडी को प्लीज़ कुछ मत बताना। ये मेरी आपसे एक सिर्फ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उनको कुछ मत बताना। प्लीज़ उनके सामने एयरपोर्ट पे ऐसे प्रिटेंड करना कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, क्योंकि मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़। ठीक है, टेंशन मत लो, मैं ऐसे ही प्रिटेंड करूँगा कि सब कुछ ठीक है, डोंट वरी। अच्छा सुनो, मैं ये बोल रहा था कि एक चीज़ तुम्हें कन्फेस करनी है मुझे। मेरी वाइफ को मैं बहुत प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, लेकिन मैं उसका प्यार कभी शेयर नहीं कर पाऊँगा, और वो हमेशा मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी और लास्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो मुझे माफ कर देना। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो पापा, हम लोग निकल रहे हैं, अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा, मैं तो अपना ध्यान रखूंगा, लेकिन तुझे भी अपना ध्यान रखना है पूरी तरह। मुझे एक बात पूछनी थी। पूछिए ना। जो उस दिन हुआ वो सब सच तो नहीं था ना? पापा वो सब एक गलत फहमी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा राज, कुछ भी अगर गलती हो गई होगी मेरी तरफ से, तो मुझे माफ़ कर देना, और मेरी बेटी का ध्यान रखना, उसे मैंने बहुत नाजों से पाला है। हाँ पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ध्यान रखूँगा उसका, आप बेफिक्र रहिए, दवाई ववाई ले लीजिए टाइम पर, ठीक है? ठीक है पापा, अभी फ्लाइट का टाइम हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा, अपनी दवाई टाइम पे लेना, और मुझे कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए आपके हेल्थ के मामले में। मैं रोज़ आपको फ़ोन करूँगी, अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा, तुम भी ध्यान रखो अपना। मिस यू टू मेरी गुड़िया, बाय बाय। थैंक यू। क्यों थैंक यू बोल रही हो? कि आपने पापा के सामने ऐसे प्रिटेंड किया कि सब कुछ नॉर्मल है, कम से कम अब वो टेंशन में तो नहीं होंगे। इतना तो मैं कर ही सकता था, तो मैंने ये किया, लेकिन इससे कुछ ऐसा मत समझना, कुछ गलत मत समझना, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे ऐसे लगा तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। बस अब पापा खुश रहेंगे और वो अपने मेडिसिन सब टाइम पे लेंगे। सुनो। हाँ बोलिए। आज शाम में हम जा रहे हैं रिया से मिलने के लिए, मेरी एक्स वाइफ,
तो तुम उसे प्लीज समझा देना कि ये शादी सब जबरदस्ती थी, तुम बोलोगी तो वो जरूर मानेगी और हम वापस साथ आ सकते हैं, मतलब मैं और रिया। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगी। थैंक यू सो मच, आई एम सो एक्साइटेड टू मीट माई लव। जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ तुम। पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, बट मैं किसी का घर तोड़ के अपना घर नहीं बना सकती। मैं बस इतना ही सोच सकती हूँ या इतना ही विश कर सकती हूँ कि जो भी है सब ऊपर वाले के भरोसे पर छोड़ देती हो। उन्होंने मेरे हक़ में जो लिखा होगा मेरे साथ वही होगा, शायद यही लिखा होगा, पता नहीं, बस मुझे उन पे पूरा भरोसा है। चलो फटफट रेडी हो जाती हूँ यार। रेडी हो तुम? रिया बस आती होगी, अब टाइम हो गया है उसके जॉब से निकलने का। अरे मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं बताऊंगा। अच्छा चलो, तुम फिर भी देखना चाहती हो? हाँ। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, वेट। तो ये है मेरी लव ऑफ लाइफ रिया। ब्यूटीफुल ही नहीं, बहुत शैतान है वो, मुझे इतना सताती है, बट मैं भी उसके बिना रह ही नहीं पाता हूँ। क्या करूँ, प्यार जो इतना करता हूँ उससे, मेरी रिया हमेशा हमेशा प्यारी लगती है। रिया, तो गाइज कैसा लगा आपको पार्ट 3, मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है गाइज, आप सब लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हो और ये सब बहुत पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ गाइज। मुझे ऐसे ही प्लीज़ मोटिवेट करते रहिए, बिकॉज मुझे आपके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, तो इसमें आपका मुझे सपोर्ट तो मिल ही रहा है, टच वुड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बट थोड़ा ऐसे कमेंट्स भी आप कर रहे हो तो और दिल में बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है मुझे, तो थैंक यू सो मच गाइज। कितना भी थैंक यू बोलूँ, आप लोग को कम ही है मेरे लिए। तो ये है पार्ट 3 और कल आने वाला है पार्ट 4, और पार्ट 4 के अंदर एक नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है। सो गाइज प्लीज़ डू नॉट मिस। ये चीज़ मैं बोलना भूल गई गाइज, इसके लिए मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। रमज़ान मुबारक टू एवरीवन, मे दिस मंथ ब्रिंग अ लॉट ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। पूरी ज़िंदगी ये मंथ ही नहीं, बट आई होप आप सब अच्छे से अपने फास्ट रख रहे हो और सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रहे हो। सो रमज़ान मुबारक टू एवरीवन। बहुत जल्दी मोहम्मद अली रोड भी जाने वाली हूँ मैं गाइस, सब न्यू डिश खाने का ट्राई करने के लिए, सो वहाँ पे मुझे ज़रूर मिलना। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, आई लव यू ऑल।